अक्सर कहते हैं कि निशाना हो तो अर्जुन की तरह, जो सीधा छत पर घूमती मछली की आंख को दाग दे। यही क्षमता हम सब में होनी चाहिए निशाने की, मगर ये निशाने तीर से नहीं हमारे विचारों से लगेंगे और उन चीजों पर जो हम अपने जीवन में फलित करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि जिस तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा, हम उस शक्ति को बढ़ाते जाएंगे और हमारे जीवन में वो बदलाव आ जाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। जरूरत है तो किसी भी एक विचार को लंबे से लंबे समय तक मन में रखने की और उस पर अटल रहने की। जहां भी आप अपने मन को ले जाना चाहेंगे, आप उसे अपनी हकीकत बना सकते हैं। जरूरत है कि आप सही दिशा चुनें। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जानने के बाद बहुत जरूरी है कि हम आज से ऐसे ही विचारों को मन में आने दें जो हमारे जीवन को और खुशहाल बनाते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी भी तरह के नकारात्मक विचार को रखा तो वैसी परिस्थितियां और आने लग जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज के ध्यान से। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, हाथों को गोद में रखें और चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखें। और अब हम एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, इसे रोक लीजिए और मुंह से अब धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लेकर हमें उसे रोकना है और मुंह से सांस को छोड़ते हुए शरीर को ढीला और आरामदायक स्थिति में जाने देना है। एक और लंबी गहरी सांस भरिए। सांस को रोकने के बाद धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते जाइए। देखिए कि कंधे नीचे की तरफ गिरते जाएं, शरीर खुलता जाए। जब हम शरीर को इस तरीके से रखते हैं तो नई ऊर्जा हम में आसानी से बहने लगती है। सांस को निरंतर लेते रहिए और रोकने के बाद इसे छोड़ते रहिए। ये करने से आपका हृदय भी नियंत्रित होता है और विचार भी थमते हैं। कभी भी जब अधिक विचार आपको परेशान करें तो इस तरह से सांस लेने से आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपने दिमाग में एक तरह का सुकून पाएंगे। तो इसी तरीके से सांस लेते रहिए, रोकने के बाद सांस को छोड़ते जाइए। अब ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपके पैर, हाथ, कमर सब एक आरामदायक स्थिति में यहीं पर बैठे हुए हैं, यहीं पर स्थित हैं। अपने आसपास की सारी हवा को महसूस कीजिए, किस तरह से वो आपके चेहरे को छू रही है। अपने आसपास सारी आवाज़ों से वाकिफ हो जाइए और हम धीरे धीरे अपना ध्यान अंदर ले जाते रहेंगे, जिससे कि हम अपने आप को इनसे हटा लें और सिर्फ अपने अंतरात्मा से जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने भावों के ठीक बीच तीसरी आंख पर ले जाएं और देखिए कि किस तरह का ख्याल यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई भी एक ख्याल जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको अब कई टुकड़ों के अंदर तोड़ना शुरू कीजिए। हर टुकड़े को दूर जाने दीजिए शरीर से। इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से कीजिए जैसे आप अपने हाथों से किसी एक पत्थर को या कागज को टुकड़ों में तोड़कर छिन्न भिन्न कर रहे हों। और अब इसको अपने शरीर से और दूर जाने दीजिए। अब अपने अंदर एक लंबी गहरी सांस भरिए। इस सांस को एक रंग दीजिए जो आप दिव्य आत्मा को, दिव्य शक्ति को रंग देते हैं। देखिए कि ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में बह रहा है। हम अपने विचार से अपने जीवन में किसी भी तरह के बदलाव ला सकते हैं। तो आज आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? किस तरह आपका भविष्य दिखता है? उस सुनहरे दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाइए। इन भावों के बीच, तीसरी आंख के बीच उस दृश्य को साफ साफ देखिए। और अब जो ये दिव्य शक्ति आपने अपने शरीर में भरी है, हम उसे इस तीसरी आंख भावों के बीच केंद्रित करेंगे। देखिए कि इस दृश्य के अंदर
अब और शक्ति जुड़े जा रही है और नए नए रंग इस दृश्य में आ रहे हैं। अपने आप को इस दृश्य के अंदर महसूस कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने हाथों को, पैरों को, आपने क्या पहना हुआ है, किस तरह से आप खड़े हैं, क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं या खुद को दूर से देख रहे हैं, कौन है आपके आसपास, क्या आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, किस तरह से खड़े हैं आप, क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। अपने आप को अपने परम रूप में देखें कि आप पूरी तरह से इस शक्ति को समा रहे हैं और ये इस तरह से आपके अंदर समा रही है जैसे ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत बन चुकी है, और एक ऐसी हकीकत जो आपकी याददाश्त में हमेशा के लिए शामिल हो चुकी है। जानिए कि आज से आप कोई भी कर्म करेंगे वो इस याद से वाकिफ होने के बाद करेंगे, जिससे आपकी शक्ति, आपके कर्म हमेशा इस सकारात्मक ऊर्जा, इस सकारात्मक दृश्य से संचालित रहे। आप निरंतर अपनी आकांक्षाएं पूरी करते रहे और हर वक्त इस तरह का हल्कापन और खुशी शरीर में, मन में महसूस करते रहें। अब पूरी तरह से इस दृश्य को अपने अंदर समा लें, इसको अब अपने हृदय चक्र तक ले जाएं, छाती के ठीक बीच, और देखिए कि ये अब आपकी हकीकत में शामिल हो रहा है। किसी भी चीज़ को आप अब अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं सिर्फ उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर, और आपकी परिस्थितियाँ उसके साथ उसको सहारा देने के लिए बदलना शुरू हो जाएंगी। इस यकीन के साथ चेहरे पर एक मन सी मुस्कान लाइए और अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रख दीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। स्वागत है आपका। ध्यान की इस शक्ति को अब आप हर दिन इस्तेमाल करके अपना हर पल, हर दिन और बेहतर बना सकते हैं। इस शक्ति को मामूली मत समझिएगा। ये वाकई उस अर्जुन के तीर के निशाने की तरह है जो अंत में हर वो चीज़ हासिल कर सकती है जिसको वो चाहे।